नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। अरिघात इंडिया का दूसरा अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सबमरीन अपने ट्रायल के फाइनल स्टेज में आ चुका है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अरिघात की कमिश्निंग इसी साल के अंत तक कर ली जाएगी। हाल में ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंडिया के 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में बताया था और ये बताया था कि कैसे इंडियन नेवी इंडियन ओशन में अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है। हाल में ही INS कंज, जो कि इंडिया की थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, उसकी कमिश्निंग भी पूरी करी गई थी 2 दिन पहले। इन दोनों ही टॉपिक्स पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ आई बटन में मौजूद है। अब बात करें अगर अरिघात की, तो अरिघात को 2017 में तब के डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया था। हालांकि अरिघात की कमिश्निंग को पैंडेमिक की वजह से देरी का सामना भी करना पड़ा। अरिघात ने अभी तक के सी ट्रायल्स को काफ़ी अच्छे तरह से परफॉर्म किया है, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर ये आई है कि इस साल के अंत तक अरिघात अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के कमिश्निंग को इसी साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। अरिघात इंडिया का दूसरा अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक अटैक सबमरीन होगा। अगर अरिघात के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन का है, इसका लेंथ 380 फीट है। वहीं इसमें पावर सोर्स के तौर पर लाइट पावर न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाया गया है, जिसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर भी बोलते हैं। इस सबमरीन का स्पीड 12 से 15 नॉट सतह पर होता है, वहीं पानी के अंदर इसकी स्पीड 24 नॉट तक होती है। अगर इसमें लगने वाले मिसाइल्स की बात करें तो इसमें 12 K-15 SLBM को लगाया जा सकता है, जो कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर पेलोड को कैरी करता है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर होती है। इसके अलावा ये सबमरीन 4 K-4 SLBM, 6 टॉर्पीडोज और सी माइंस को कैरी कर सकता है। अभी की बात करें तो इंडिया के पास चक्र 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिसे इंडिया ने पिछले साल रूस से लीज पर लिया था और इंडियन नेवी इस सबमरीन को साल 2025 तक इस्तेमाल करने वाली है। USA, रसिया और फ्रांस के बाद भारत उन चंद देशों में से एक है जिसके पास लैंड, एयर और अंडर वाटर न्यूक्लियर बेस मौजूद है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।